हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे करके, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज भी ये डिस्कस करने वाले हैं कि ए प्लस आई बी में किस तरीके से थोड़ा ये सारी इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और, हम इन्वर्स को भी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इन्वर्स का फॉर्म, ये फॉर्म हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि ये जेड हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक हमारा लिखा हुआ है, और जेड बार यानी यही जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो नंबर होता है सीखा उल्टा होता है कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यानी 2 - 3 आई था तो आपका 2 + 3 आई होंगे। ओके, यहाँ पर इन्वर्स साइन करना है, तो इन्वर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, मॉडुलस कैसे होता है, मॉडुलस आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपका जेड क्या है, ए प्लस आई बी है, यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो आपका मॉडुलस ये होगा। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं आप जेड बार का, अगर हमें जेड का निकालना है मॉडुलस, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ए की जगह पे है और बी की जगह पे 3 है, तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 4 + 9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 13। ओके, ये हमारा मॉडुलस आ गया। अच्छा, अब हम इसको रख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो जेड बार की जगह पर मैं यहाँ पर रख देती हूँ, यहाँ पर आपका लिखा होगा 2 + 3 i अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर हम निकालेंगे, तो इसका मॉडुलस ऑफ जेड की, मॉडुलस जेड की वैल्यू है, मॉडुलस जेड का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13 आएगा। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना, 2 by 13 + 3 i upon 13। ये ए हो गया और ये बी, यानी ए प्लस आई बी इस तरीके से फॉर्म में हो गया। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, ए प्लस आई बी में डाल दीजिए, ये इस तरीके से आप सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये। तो ऐसे ही मॉडुलस निकालना है, और मॉडुलस की वैल्यू हमको यहाँ पे रख देनी है, और कॉन्जुगेट की वैल्यू और अपॉन मॉडुलस की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें भी हमको ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, 5 + √2i = 1 - √2i। तो यही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 - √i है, तो इसकी कॉन्जुगेट से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर हम दोनों तरफ ऊपर नीचे 1 + √2i से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। इसके साथ मत लिख दीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, 5 + √2i * 1 + √2i अपॉन में ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 1 - b² यानी कि √2i √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 2। ओके, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सिंपली 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ओके, आई थिंक नीचे आपको शायद विजिबल ना हो, तो मुझे लगता है कि मुझे ऊपर थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, यहाँ विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं विजिबल हूँ तो मैं यहीं कर देती हूँ, ठीक है। तो 5 और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 5 √2i, ठीक है, और प्लस √2 √2 हो जाएगा, तो 2 और i² हो जाएगा, 2i² हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है, 3। यहाँ पर आप एक बार फिर से हम जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 √2i √2i यानी कि 6 √2i। तो 5 + 6 √2i और यहाँ पे 2i² की वैल्यू -1 थी तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 3। तो 5 में से -2 गया, 3 आया 3 + 6 √2i / 3। 3 को यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 1 + क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा √2i / 3। 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 √2i, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस आई बी के फॉर्म में। विजिबल है ये चीज़, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी पहले हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और नॉर्मली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम ए प्लस आई बी को फॉर्म करेंगे।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली इसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 7 3 21 प्लस 7 3 21 आई हो जाएगा प्लस 7i प्लस 7i स्क्वायर। ओके, तो 21 प्लस 21i प्लस 7i, इसको आप ऐड कर लीजिए, 28i माइनस, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होगी तो माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। 21 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 14, ठीक है, प्लस 28i, ये हमारा फॉर्म बन गया, ठीक है। इस तरीके से ए प्लस आई बी के फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक बहुत ही इजी वे में ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली मल्टीप्लाई करना है हमें, और अगर कहीं भी आई आ रहा है, आई स्क्वायर वैल्यू आ रही है, आई क्यूब आ रही है, तो उसको हम सॉल्वली सॉल्व कर लेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे भी हम थोड़ा प्रॉब्लम्स एक दो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।